हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेबुलेशन। आज हम देखेंगे कि रेबुलेशन और टैबुलेशन के पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैबुलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन टू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। यानी डाटा को कॉलम्स और रोज में अरेंज करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? टैबुलेशन। इस तरह हमारे पास एक टेबल की फॉर्म आ जाती है। इसके फर्स्ट फोर मेन पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट फोर मेन पार्ट्स के बगैर इनका टेबल को जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि इसके फर्स्ट फोर मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। टाइटल, अ टाइटल इज़ द हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। जो टाइटल है वो टेबल के जो टॉप पर जो हेडिंग होती है वो क्या कहलाता है? हमारे पास टाइटल कहलाता है। कॉलम, कैप्शन एंड बुक सेट, द हेडिंग्स ऑफ डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन। कॉलम्स की जो डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं वो हमारे पास कॉलम कैप्शन कहलाता है। और मेन हेडिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड बुक सेट। कॉलम की जो मेन हेडिंग होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? बुक सेट। रो, कैप्शन एंड स्टफ। रो कैप्शन हमारे पास क्या होती है? द हेडिंग्स ऑफ डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शन। और मेन हेडिंग ऑफ रो इज कॉल्ड स्टफ। यानी कि रो की जो मेन हेडिंग वो स्टफ कहलाती है और कॉलम की जो मेन हेडिंग है वो बुक सेट कहलाती है। बॉडी ऑफ द टेबल, द एंट्रीज ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। यानी कॉलम्स और रोज में टेबल के अंदर जो कॉलम्स और रोज होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उसमें जो एंट्रीज हम लोग करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? बॉडी ऑफ द टेबल। इन सब के बारे में आगे आपको मैं टेबल बना के दिखाऊंगी जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये सब के पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं। अगला जो स्टूडेंट जो इसका पार्ट है वो है प्रीफैक्टरी नोट्स। प्रीफैक्टरी नोट्स क्या होता है? द प्रीफैक्टरी नोट्स गिवन आफ्टर द आफ्टर टाइटल ऑफ द टेबल। यानी टाइटल के जो बाद दिया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रीफैक्टरी नोट। ये है टेबल। अब मैं आपको इससे समझाऊंगी। फुट नोट क्या होता है? द फुट नोट गिवन एट बॉटम ऑफ द टेबल। फुट नोट जो है वो टेबल के बॉटम पे जो है लास्ट पर जो है उसको, यानी कि सोर्स नोट से पहले जो है वो दिया जाता है। और सोर्स नोट क्या होता है? द सोर्स नोट्स आर गिवन एट एंड ऑफ द टेबल। यानी टेबल के बिल्कुल लास्ट पर जो होते हैं वो हमारे पास कहते हैं सोर्स नोट्स। तो ये था हमारे पास टाइटल। टाइटल हमारे पास टेबल के जो टॉप हेडिंग थी वो है टाइटल। प्रीफैक्टरी नोट्स आ जाता है टाइटल के बाद। उसके बाद ये है हमारे पास पूरा टेबल। ये हमारे पास क्या है? बॉक्स हेड। बॉक्स हेड हमारे पास होती है कॉलम की जो मेन हेडिंग होती है हमारे पास बॉक्स हेड कहलाती है। और ये आगे कॉलम कैप्शंस हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है रो जो हमारे पास ये हमारे पास कॉलम्स की थी और ये हमारे पास के हैं स्टब्स। यानी स्टब हमारे पास क्या होती है? जो रो की मेन हेडिंग होती है वो स्टब कहलाती है। और ये हमारे पास जो सारी रोज बनेंगी वो हमारे पास क्या होंगी? रो कैप्शंस। ये हमारे पास सारी बॉडी बनी हुई है और ये फुट नोट्स हैं और ये सोर्स नोट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टैबुलेशन का टॉपिक और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैंने आपको टेबल बना के भी समझा दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।